अम्मी वो अलीजा आई है। अलीजे कौन? वो कासिम साहब की भांजी? जी 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 ड्राइंग रूम में बिठाया मैंने। बिठाए? हाँ अच्छा अच्छा बेटा, कासिम भाई कैसे हैं और सब घर में कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। अच्छा, और हमारी रमशा का क्या हाल है? ठीक है, उसने ही तुम्हें भेजा होगा हमारी खैरियत पूछने के लिए। भाई उसकी ना शुरू से आदत ही ऐसी है, उसकी तबीयत में है कि वो हर एक का ख्याल रखती है ना? और बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ मिलने के लिए आ गई। पता है तुम्हें देख के ना यहाँ पे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि कासिम भाई की फैमिली में किसी में गुरूर नाम की चीज को भी नहीं। सब बहुत अच्छे से मिलते हैं माशाल्लाह। वैसे इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। और मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि ठंडा पियोगी या के चाय बनवाऊं? नहीं कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ खुद। तुम रमशा की कजन हो ना, साथ पढ़ते थे ना तुम लोग? मैं रमशा की सिर्फ कजन नहीं हूँ, दोस्त भी हूँ, बहुत अच्छी दोस्त। जब वो यहाँ होती थी ना तो हम बहुत बातें करते थे और बहुत मजा करते थे। हाँ रमशा ने बताया था मुझे तुम्हारी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। वैसे रमशा है इतनी अच्छी, उसकी सबसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। तुम्हें पता है मेरी भी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रमशा में ना हुनर है दोस्ती करने का। वो बोलती ही इतना है, सबसे दोस्ती कर लेती है। हाँ लेकिन अब वो बहुत बदल गई है। उसके चेहरे पर हर वक्त उदासी सी रहती है। तुम्हें पता है वो शादी भी करने के लिए तैयार नहीं है।